Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हेलो, मैं हूँ ज्योति यादव। मैं हूँ शहबाज अंसार और आप देख रहे हैं हमारा शो न्यूज का जूस। शहबाज, पिछले दिनों ट्विटर पर गोडसे अमर रहे ट्रेंड कर रहा था और उसके ठीक बाद खुशबू चौहान का एक हेट स्पीच भी ट्रेंड कर रहा था। ये तो मुझे पता है कि गोडसे अमर रहे किसने ट्रेंड कराया था, पर ये खुशबू चौहान कौन हैं और इन्होंने क्या स्पीच दी थी? अगर आप ITBP के YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहाँ आपको कम से कम 15 वीडियोस मिलेंगे जहाँ अलग अलग जवान असम राइफल के और कई सब इंस्पेक्टर भाषण दे रहे हैं और ये एक स्पीच कॉम्पिटिशन था। मुद्दा था भारत में टेररिज्म से निपटने के लिए क्या मानवाधिकारों का सम्मान करना जरूरी है, उस पर जवानों ने अपनी स्पीच दी और जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई वो खुशबू चौहान की वीडियो वायरल हुई। उसके बाद जिसने ऐसे हेट स्पीच दिए उनके भी वीडियो वायरल होने लगे हैं, लेकिन जिस जवान ने मानवाधिकारों के सम्मान की बात कही, जैसे कि असम राइफल के एक जवान बलवान सिंह ने कहा कि असली लड़ाई दिलों में लड़ी जाती है और दिलों में जीतने के लिए आपको मानवाधिकारों का हनन नहीं उनका सम्मान करना होगा, उस वीडियो पर उस जवान को भर भर के गालियां दी जा रही हैं। और जिन जवानों ने हेट स्पीच दिया वहां लिखा जा रहा है कि इन्हें तो प्रधानमंत्री होना चाहिए। असली जंग तो लोगों के दिलों में लड़ी जाती है और लोगों के दिलों को मानवाधिकारों का हनन करके नहीं बल्कि मानवाधिकारों का सम्मान करके जीता जा सकता है। और जहां मानवाधिकारों का हनन होता है वहां पर बदले की भावना से पान सिंह तोमर और फूलन देवी जैसी मासूम महिला को भी खतरनाक डाकू बनने पर मजबूर होना पड़ता है। मतलब देश में प्रधानमंत्री बनने की जो क्वालिफिकेशन है वो इस भीड़ तंत्र के अनुसार गाली देना, हेट स्पीच देना ज्यादा जरूरी है। हमेशा ये इल्जाम लगता है कि जो मीडिया है वो सरकार की तरफदारी करता है और ओपोजिशन को बैश करता रहता है, खासकर टीवी मीडिया। तो अभी जो थी ट्विटर पे एक चीज ट्रेंड हो रही है, हैशटैग मोदिया है तो मोदी है। मोदिया क्या होता है? मोदिया यानी कि वो लोग मोदिया उस मीडिया को बोल रहे हैं जो सरकार की तरफदारी करता है, उनका गाना गाता रहता है। तो लोगों ने अभी इस हैशटैग को ट्रेंड करवा दिया है। अच्छा। तो अलग अलग चीजें आपको फोन पे पढ़ने को मिलेंगी ट्विटर फीड में, जैसे कि मोदी विदाउट मोदिया इज अ फोन विदाउट अ चार्जर दैट वोंट लास्ट फॉर अ डे, इट इज लाइक पजामा विदाउट अ नाड़ा तुरंत गिर जाएगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी विदाउट मोदिया इज लाइक स्टार किड्स विदाउट करण जौहर। मुजफ्फरनगर यूपी का एक कम्युनल सेंसिटिव जोन है और वहाँ पर शामली जो जिला है वहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में बंदर को गोली लगने से दंगे जैसे हालात बन गए थे। पुलिस मौके पर पहुँची, भीड़ से उस अक्यूज को छुड़ाया, बंदर को अस्पताल लेकर गए, बंदर का इलाज कराया, लेकिन एक घंटे बाद उसकी मौत हो गई। पहले गाय के नाम से मामला सांप्रदायिक हो रहा था, अब बंदर के नाम से भी हो गया है। और जब मैं वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए गई तो वहाँ मुझे कई सारी नई चीज़ें पता चली। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बंदर हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, चूहा हमारे लिए सब पूजनीय है, क्योंकि हिंदू धर्म में ये किसी न किसी देवता को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे चूहा जो है वो गणेश भगवान की सवारी है, कुत्ता जो है वो भैरव बाबा की सवारी है, फिर कौवा जो है वो सुबह सुबह आपके मामा आने वाले हैं ये खबर लेकर आता था गांव में, अगर घर पर वो बोल रहा है कौवा तो खुशखबरी कुछ लेकर आएगा। चींटी को सुबह सुबह हम आटा डाल कर आते हैं, फिर जो शिवजी भगवान के गले में सांप पड़े रहते हैं वो भी हमारे लिए पूजनीय है, उनको भी आप कुछ कह नहीं सकते। फिर जो है विष्णु भगवान की जो सवारी थी वो शेषनाग था। इस तरीके से हमारे ना एकदम करोड़ों जीव जंतु हमारे लिए पूजनीय है और इसलिए आप हमारी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं कर सकते। वैसे आजकल जो सबसे ज्यादा आहत हो रहा है वो सिर्फ भावना ही है। तो जैसे ज्योति हैरी पॉटर की सवारी झाड़ू है वैसे ही। अच्छा, वैसे केजरीवाल की सवारी भी अब झाड़ू ही है। हाँ, तो उनका शुरू से चुनाव चिन्ह झाड़ू ही रहा है। वैसे जानवरों के धर्म भी, जो आपने स्टोरी बताई उससे हमें पता चलता है जानवरों के धर्म भी तय कर दिए गए हैं। आई होप आपकी नॉलेज भी बड़ी होगी जब मैंने पूरी स्टोरी आपको बताई है। इन सब चीजों के बीच ज्योति हमें ये याद रखना चाहिए कि 65 डेज पूरे हो चुके हैं जब कश्मीर बंद है, वहाँ लोग बंद हैं और वहाँ क्या हो रहा है ये किसी को भी नहीं पता। फोटोग्राफर्स और जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि आप वहाँ अगर वीडियोस जाकर बनाओगे तो आपको सीधे डंडे पड़ेंगे। तो अभी गुरमेहर कौर का एक ओपिनियन पीस भी आया है द प्रिंट में। अच्छा। जहाँ वो बता रही हैं कि कश्मीर पर बात करना इतना मुश्किल हो गया है कि अगर आप कश्मीर पर बात करोगे किसी से तो आपको सीधे कहा जा रहा है चुप रहो। तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग बात है इन सब चीज़ों के बीच। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।